राजपथ पर भी अयोध्या का राम मंदिर, गणतंत्र दिवस पर गौरवशाली भारत देखेगी दुनिया। गणतंत्र दिवस से पहले ही देख लीजिए अयोध्या के राम मंदिर की झांकी। नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। गणतंत्र दिवस पर हर साल परेड का इंतजार देश के लोगों को होता है। इस परेड में देश की सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय तो होता ही है, देश की गौरवशाली परंपरा, विरासत और संस्कृति से भी दुनिया दोचार होती है। राजपथ पर निकलने वाली झांकियां भारत का दर्शन कराती हैं और इसलिए इन झांकियों को देखने के लिए ही लोग इंतजार करते हैं। उनके मन में जिज्ञासा होती है कि इस साल राजपथ पर भारत के किस गौरवमयी इतिहास का दर्शन होगा। इस वर्ष भी लोगों को इंतजार है, बल्कि इस वर्ष देश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और सदियों पुराने एक विवाद का अंत हो गया है। देश की आत्मा श्री राम उनकी जन्मस्थली में विराजने वाले हैं और ये कहा जा रहा था कि इसकी झलक इस बार राजपथ पर दिखेगी और उसी के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आपका वो इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि राजपथ में भव्य राम मंदिर का दर्शन तो होगा ही, अयोध्या की देव दीपावली भी जगमगाएगी। ये सब आपको कल यानी 26 जनवरी को राजपथ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप वीके न्यूज पर राम मंदिर की उस दिव्य झांकी का दर्शन कर सकते हैं जो कल राजपथ पर भारत की असल संस्कृति का दर्शन कराएगी। जी हाँ, यही वो उत्तर प्रदेश की झांकी है जो इस साल गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर चलेगी। इसमें प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि झांकी के आगे वाले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान है और इसके पीछे श्री राम मंदिर का प्रारूप मौजूद है। रैली के साथ चल रहे साधु संन्यासी भारत की स्वर्णिम संत परंपरा को दिखा रहे हैं। झांकी में भगवान राम के रूप में एक युवक भी मौजूद होगा, पीले रंग की रेशम की धोती और गले में रुद्राक्ष की माला पहने तथा हाथ में धनुष लिए ये रोल करने वाला सौभाग्य चंदौली जिले के अजय कुमार को मिला है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली छावनी स्थित गणतंत्र दिवस सांस्कृतिक शिविर में कुल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग झांकियों से मीडिया को रूबरू करवाया गया और 23 तारीख को ये झांकियां फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान राजपथ पर भी चली। तो अयोध्या की ये झांकी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।